मीनू कुमावत किचन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चिली कॉटेज चीज रैप। इसके लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वो है, ये हमने मैदा ली है, ये 200 ग्राम है, ये हमने 5 मोटी वाली हरी मिर्च ली है जिनको हमने बॉईल करके रखा है, ये अमूल की चीज ली है जिसको हमने कद्दूकस करके रखा है, ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम में हमने पनीर लिया है इसको भी हमने कद्दूकस करके या ग्रेट करके रखा है, ये नमक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, ये मिक्स हर्ब्स है पिज्जा मिक्स, और ये काली मिर्च है। जो हमने चीज यूज की है वो ये है अमूल की ये चीज है, और जो हमने मिक्स हर्ब यूज किया है वो ये है ऑयल लिए है जो हमें ये गूंदने में काम आएगा, और थोड़ा सा हमने पानी लिया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये जो मैदा है इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून ऑयल है, और थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डाल के इसको एकदम सॉफ्ट आटा गूंदना है, ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है आटे को। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी और डाल के हमारा आटा हो चुका है, बस इतना सा पानी। ये आटा हमारा हमने गोंद दिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम फिलिंग की प्रिपरेशन करेंगे। अब हम इसमें जो हमारा सारा जो सामग्री थी वो हम सब मिक्स कर लेंगे, ये पनीर लिया जो हमने, ये हमारी चीज है, ये चिली फ्लेक्स, एक हर्ब्स, ये मिक्स हर्ब्स है, ये भी हमने एक छोटी चम्मच ली है, ये काली मिर्च ये भी हमने एक छोटी चम्मच ली है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि चीज में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिर्च को बॉईल करके रखा है, अब हम इसे इस तरह से एक कट लगाएंगे लंबा सा, और इसका जो अंदर पानी रह जाता है उसको हम निकाल देंगे, इस तरह से थोड़ा सा पानी रहता है वो निकाल के हम एक तरफ रख लेंगे। अब हम इसमें जो हमने ये मसाला प्रिपेयर किया था वो हम इसमें इस तरह से फिल कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से थोड़ा प्रेस करके इस तरह फिल कर लेंगे, ये हमारा फिल हो गया। इसी तरह से हम सारी अपनी मिर्चियों को एक एक करके फिल कर लेंगे। ये हमने अब सभी मिर्चियों को फिल करके रख दिया है। अब हम जो हमने मैदा गूंद के रखा था उसकी हम इसकी रैप करेंगे, इसको किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये आटे को हम थोड़ा सा और इस तरह से हल्का सा हाथ से गूंद लेंगे थोड़ा सा और, ताकि ये अच्छे से इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। ये देखिए आटा हो गया, अब हम इसकी छोटी छोटी लोई करेंगे इस तरह से। इतना सा आटा लिया हमने, इसकी लोई की
एकदम पतला बेल लेंगे रोटी की शेप में। अब हमने इसको और पतला बेलना है तो हमने ये पलोथन मैदा ही लिए, सूखी मैदा लिए, इसको हम पलोथन बोलते हैं। इसको हल्का सा इस पे लगा के ताकि ये आराम से स्मूथली हम इसको बेल सके। इस तरह से देखिए, ये देखिए हमने पलोथन लगा के इसको इस तरह से पतला पतला बेलना है। रोटी एकदम पतली होनी चाहिए। ये देखिए ये हमने इतना पतला इसको बेल लिया है। अब हम इसकी स्ट्रिप्स कट करेंगे पतली पतली सी, इस तरह से। ये देखिए ना ज्यादा, ये हमने स्ट्रिप्स काटी है, ये ज्यादा मोटी भी नहीं है ना ज्यादा छोटी है। ये देखिए ये इस तरह से स्ट्रिप ये तैयार हुई। अब हम इनको ही अपने मिर्च पे रैप करेंगे। वो किस तरह करता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने मिर्च जो फिल करके रखी थी वो है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसको, ये हमने स्ट्रिप ली है, ये हम इस तरह से यहाँ से इसके डंडी के वहां से चालू करेंगे इसको, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये इस तरह से। ये हमारी एक स्ट्रिप खत्म हो गई, फिर हम यहाँ से ही दूसरी स्ट्रिप ले लेंगे इसी के ऊपर हल्का सा करके। ये देखिए हम थोड़े थोड़े मिर्च दिखने लगे ताकि वो देखने में सुंदर लगे। ये देखिए ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे, अब हम इसके एंड पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको यहीं पे स्टिक कर देंगे इस तरह से ताकि ये निकले रहे। इसी तरह से हम अपनी सारी मिर्चियों को रैप कर लेंगे। ये हमने सभी मिर्चियों को इस तरह से मैदा की पट्टियों से रैप कर दिया है। अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे ओटीजी में रोस्ट करेंगे। वो हम दिखाते हैं आपको किस तरह हम और कितने टेम्परेचर पे इसको रोस्ट करते हैं। ये जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे थे मैंने अपने ओटीजी को प्री हीट पे रख दिया था। वो हमने 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 10 मिनट के लिए रखा है। अब हम इनको हल्का सा ब्रश में ऑयल लगा के हल्का सा इनको ऑयलिंग कर देंगे ताकि एकदम ड्राई ना लगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही लाइट और बहुत ही कम ऑयल हमने यूज किया है। हमारा ओवन अब गर्म हो चुका है, अब हम इसको ओवन में रख देते हैं। ये देखिए अब हमारा ओटीजी गर्म हो चुका है, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमने टेम्परेचर रखा है 230 पे। ये हमने दोनों रॉड ऊपर नीचे की विद फैन के साथ में कर रखी है और ये हमने 20 मिनट, 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, ये 20 मिनट बचे हैं अभी, तो 20 मिनट हमें इसे पकाने में लगेंगे। ये देखिए हमने इसमें रख दिया है, अब हमें इसे 20 मिनट तक इसको आराम से सिकने देना है। ये हमारी मिर्च को पकते हुए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं क्योंकि मैंने 20 मिनट्स और बढ़ा दिया था इसके अंदर। ये क्या है कि ओटीजी हमारा थोड़ा बड़ा है, अगर छोटे ओटीजी होगा तो वो टेम्परेचर मतलब टाइम कम लेगा, ये बड़ा ओटीजी है तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। ये बन के तैयार हो रहे हैं, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और किस तरह सर्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम सर्व करने के लिए ये हमने नॉर्मल व्हाइट वाले मेयोनीज लिए, ये हम हल्की सी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे इस तरह से। और ये हमें तीखा थोड़ा ज्यादा पसंद है तो ये चिली सॉस भी हम इस पे। ये लीजिए तैयार है आपकी चिली चीज कॉटेज।
वैम रेसिपी। इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर ये बनके एक अलग ही तरह की डिश तैयार होती है। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर।